नमस्कार स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम कोट 7.5 डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट करना सीखेंगे। गाइस, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हमें तीन फॉर्मूले आने चाहिए। नंबर फर्स्ट, कोट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। ठीक है, देखो इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूं। 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा। देखो 1 नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से कोस कैंसिल, हमारे पास आ गया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कोट थीटा। यानी कि कोट थीटा को मैं 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा लिख सकता हूं। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला, कोस 15 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। थर्ड, साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, ये तीन फॉर्मूलाज हमें आने चाहिए। अब हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। कोट 7.5 डिग्री इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1 प्लस कोस 2 थीटा। थीटा क्या है? 7.5 डिग्री, इसका डबल करेंगे तो ये आ जाएगा 15 डिग्री अपॉन साइन 2 थीटा, दैट इज साइन 15 डिग्री। ठीक है, अब हम कोस 15 डिग्री और साइन 15 डिग्री की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास आएगा 1 प्लस कोस 15 डिग्री अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 ओवर साइन 15 डिग्री अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, नेक्स्ट ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे। देखो ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा? 2 रूट 2। ठीक है, 2 रूट 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 रूट 2 आ जाएगा, प्लस ये एज इट इज अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन, नीचे वाले को कॉपी कर दो, अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। देखो 2 रूट 2 से 2 रूट 2 कैंसिल, हमारे पास बच गया 2 रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप देखो इसकी क्या होगी, इसको हम रेशनलाइज कर देंगे, यानी कि इसको अंडर रूट 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं अंडर रूट 3 को इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे पास आएगा कोट 7.5 डिग्री इज इक्वल टू 2 रूट 6 प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, 3 बन जाएगा, प्लस 1 इंटू रूट 3, रूट 3, उसके बाद प्लस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको मैं कॉपी कर देता हूं, 2 रूट 3 प्लस, सॉरी 2 रूट 2 है, 2 रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1, दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। ठीक है, अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, 2 रूट 6 3 प्लस 1 4 बन जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 3 2 टाइम रूट 3 प्लस 2 रूट 2 और अपॉन में 2। ठीक है गाइस, नेक्स्ट ऊपर से 2 को कॉमन लेते हैं, 2 को कॉमन लिया तो रूट 6 प्लस 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2 और अपॉन में 2। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया,
हमारे पास आ गया अंडर रूट सिक्स प्लस टू प्लस रूट थ्री प्लस रूट टू। ये हमारे पास कोट सेवन एंड हाफ डिग्री की वैल्यू आ गई। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट सिक्स प्लस टू है, टू को हम लिख सकते हैं रूट फोर प्लस रूट थ्री प्लस रूट टू। ठीक है गाइस, तो ये हमारे पास कोट सेवन एंड हाफ डिग्री की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम टेन सेवन एंड हाफ डिग्री की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट सिक्स माइनस रूट फोर माइनस रूट थ्री प्लस रूट टू। ठीक है गाइस, तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।